जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 में आज हम हाउ टू स्टडी कैसे करें इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि आपकी छोटी छोटी चेंज कैसे आपको एक संगठित और एक ऊंचे मुकाम पे पहुंचाएगा, मतलब सफलता की सबसे उच्चतम पायदान पर आपको क्या करेगा, पहुंचाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको लाइफ में वो चेंज क्या सब लाना है, इसमें केवल आपको 12 पॉइंट, ऐसे 12 पॉइंट सुनने में बड़ा लगता है लेकिन 12 पॉइंट हम कोई कठिन नहीं बताएंगे, वो नॉर्मल चीज़ बताएंगे जिस जो कि हर इंसान जानता भी है, आप भी जानते होंगे लेकिन कहीं ना कहीं वो गलती करते हैं जिसके वजह से आपकी सफलता की सबसे बड़ी बाधा बनता है। तो पहला इसका जो पॉइंट कीजिए, अपने एनर्जी को संगठित कीजिए, आपकी जो एनर्जी है उसको संगठित कीजिए। अब एनर्जी संगठित करने का मतलब होगा आदमी पब्लिक सबको संगठित नहीं करना है, 10-20 पब्लिक को संगठित करें, ऐसा नहीं। एनर्जी संगठित करने का मतलब होती है आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एकाग्रता है उसको संगठित कीजिए, एक जगह इकट्ठा कीजिए जिससे कि आप जो भी चीज़ पढ़े, जो भी चीज़ स्टडी करें वो भूले नहीं, वो एक बार पढ़ने के बाद वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज हो सके, ये काम कीजिए। आप पहले संगठित होइए। सेकेंड काम, सेकेंड जो करना है आपको जगह फिक्स कीजिए, पैलेस, आपको कहाँ जाके पढ़ना है। किसी को यदि आपको दिल्ली जाना है तो आप दिल्ली जाइए, पटना जाना है तो पटना जाइए, जहाँ भी जाना है आपको जगह, वो जगह फिक्स होना चाहिए, आप वहाँ जाइए। इसके बाद आप वहाँ जाने के बाद यदि आप कोई भी इंस्टीट्यूट, थर्ड काम आप क्या कीजिए, कोई भी इंस्टीट्यूट कक्षा में ज्वाइन लेते हैं, मतलब कक्षा में जाते हैं, क्लास जाते हैं, तो क्लास में आप ध्यान को फोकस कीजिए कि जो भी चीज़ हम क्लास में पढ़ते हैं वो क्लास में ही याद हो जाए, मतलब एकाग्र रहिए, सर क्या कह रहे हैं, सर क्या बता रहे हैं, वो हर चीज़ को आप महसूस कीजिए, वो हर चीज़ को रियलाइज कीजिए, वो हर चीज़ यदि आपके दैनिक जीवन में घट रहा है तो उससे जोड़िए। क्योंकि यहाँ एक कहानी से हम आपको समझाना चाहेंगे जिससे आप सभी के लाइफ में बचपन गुजरा ही होगा, आप देखेंगे बचपन का ऐसा भी बहुत सारा घटना होगा जो दादी नानी नाना नानी आप कहीं से भी कुछ सुने होंगे आज भी याद है। आप सोचे कभी बैठ के सोचे, व्हाट, आप सोचे कि इतना हमें याद कैसे रह जाता है, वो जो याद रह रहा है ना वो सरलतम भाषा शब्दकोश में जो है ना, वो सरलतम भाषा जो आपके लाइफ में सरलतम भाषा है उसका प्रयोग किया जा रहा है। यदि आप थोड़ा रिमाइंड कीजिए बचपन का, तो आप जिस टाइम में वो कहानी सुन रहे थे काफ़ी फोकस थे, उस कहानी में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे, तो आप पढ़ाई में भी थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए जिससे कि आपकी पढ़ाई बेहतर हो सके। तो आप समझ गए। चलिए अगला पॉइंट, आप क्लास गए तो क्लास में जितने भी विकर्षण हैं जिससे आपको डिस्टर्बेंस पैदा होता है उस डिस्टर्बेंस को दूर कीजिए। जैसे बहुत सारे होता है कि आप पढ़ते रहते हैं उस टाइम में सोशल मीडिया मोबाइल रखते हैं जिसकी वजह से बार बार आपको ध्यान वो मोबाइल पे जाता है, तो पढ़ने टाइम में उस मोबाइल को दूर कीजिए। यदि क्लास जाते हैं, क्लास में ऐसा भी दोस्त होता है जो आपको डिस्टर्ब करता है, पढ़ने टाइम में बोलेगा दोस्त क्या हाल खबर है, दोस्त ये बताओ ना, ऐसा जो भी कर रहा है उससे दूर रहें। आप वहाँ बैठे जहाँ डिस्टर्ब ना हो, या तो आगे बैठ जाइए या उस जगह पे बैठिए जहाँ आपको कम से कम डिस्टर्बेंस हो और पूरा फोकस्ड हो बोर्ड पे, पूरा फोकस्ड हो सर की बातों पे। और आस्क द क्वेश्चन, आप क्या कीजिए, यदि आप कुछ भी नहीं समझते हैं तो सर से सवाल करना ना भूलें। ऐसा होता ना कि हमको समझ में नहीं आया तो क्या कहेंगे, हम पूछ लेंगे तो हमको बोलेगा ये फलां कि अरे इसको तो कुछ नहीं आता, ऐसा दिमाग में कुछ भी रखना नहीं है। आपको यदि नहीं समझ में आए बेझिझक, कोई इसमें झिझाहट नहीं होना चाहिए, कोई शर्म नहीं होना चाहिए, अरे मेरा वजूद क्या है, आज छोटा सा शर्म करने की वजह से हम क्वेश्चन नहीं पूछे, कहीं वही क्वेश्चन एक दिन जाके बड़ा समस्या हो जाएगा और सफलता की सबसे बड़ी बाधा बन जाएगा, तब जिंदगी भर सब कोसेगा कि फलना ने ये किया और उसे ये नहीं हुआ। तो आपको जिंदगी भर कोसने से अच्छा है कि कुछ सेकेंड के लिए ही शर्मिंदगी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, वो शर्मिंदगी महसूस नहीं करना है और बेझिझक आप क्या कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। इसके बाद आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका नोट्स बनाइए। नोट्स आप कैसा होना चाहिए, देखिए नोट्स बनाइए,
नॉर्थ में सरलतम भाषा का यूज कीजिए, नॉर्थ में सरलतापन लाइए। अब सरलतापन लाने का तात्पर्य ये हो गया कि नॉर्थ में ऐसा शब्दों का यूज कीजिए जिससे कि आपकी हर वो समस्या सरल लगे, आप पढ़े तो कम टाइम में वो पूरे पढ़ाई का एक जो स्क्रिप्ट है आपके दिमाग में चलना चाहिए, ऐसा शब्दकोश यूज कीजिए। और सरलतम भाषा यूज करने का मतलब होता है आप क्षेत्रीय भाषा यूज कीजिए, या नहीं तो आप वैसा भाषा यूज कीजिए जो आपका भाषा समझ में है, बचपन मदर टंग है, आप उसका ज़्यादा प्रयोग करिए। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, शॉर्ट टाइम जो मेमोरी में रहता है, कुछ दिन तक याद रहता है, वो लंबे टाइम तक आपकी मेमोरी में रह पाएगा। इसके बाद माइंड प्लानिंग, माइंड मैप के माध्यम से भी पढ़िए। आप नोट को ऐसा शॉर्ट बनाइए, मतलब एक दो चार लाइन का ग्राफ बनाइए और उसको इस प्रकार से सजाइए जिससे कि आपको दो चार लाइन देखने के बाद आपका वो पूरा नोट रिवीजन हो, दिमाग में क्लिक करे। इसके बाद जो आप नोट्स बना रहे हैं वो एवरी डे रिवाइज कीजिए, मतलब कोशिश कीजिए कि हम जो भी चीज़ आज दिन का प्लानिंग बनाए हैं वो प्लानिंग मेरा सक्सेस हो। ये छोटा छोटा चेंज कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा चेंज लाएगा। ये अभी महसूस नहीं होगा, जिस दिन इंसान असफल होता है उस दिन अफसोस करता है, काश हम उस टाइम में पढ़ लिए रहते, काश हम उस टाइम में ये कर लिए होते। अरे वो काश करने से अच्छा है कि अभी कुछ कर, वो काश को भूल जाओ, अभी कुछ कर जिससे कि आपकी पढ़ाई बेहतर हो सके। इसके बाद जो भी समस्या होता है उसके लिए आप शिक्षक से बात कीजिए, नहीं तो ऐसे भी समस्या को लेकर हमेशा आप शिक्षक से बात करते रहिए। बात करने से एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होता है, आपकी डर आपकी झिझक कहीं आप बात करने से डरने के स्थान पे आप वो हर समस्या को बेझिझक किसी के सामने रख सकते हैं जिससे कि आपकी समस्या धीरे धीरे सरलता हो जाए। इसके बाद आप स्टडी का एक फिक्स टाइम टेबल शेड्यूल बनाइए कि आपका टाइम होना चाहिए। आप टाइम बनाइए, शेड्यूल बनाइए, शेड्यूल बनाने के बाद ऐसा नहीं शेड्यूल बनाइए कि हमें 5 बजे ये पढ़ना है, 5 बजे मैथ पढ़ना है, 6 बजे साइंस पढ़ना है, 8 बजे आर्ट पढ़ना है, ऐसा नहीं। ये शेड्यूल मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा शेड्यूल कर रहा हूँ कि आपको यदि 6 घंटा पढ़ना है तो 6 घंटा पढ़ना है तो आपको देखिए कि आपको उस टाइम में किस में इंटरेस्ट जग रहा है, आपको जो सब्जेक्ट में जितना इंटरेस्ट जग रहा है आप वो सब्जेक्ट पहले पढ़िए, क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट होता है ना वो पढ़ने से वो याद बहुत लंबा रहता है और पढ़ने में भी बहुत गजब का आनंद आता है। तो आप क्या कीजिए, जो पढ़ने में आपको मज़ा आए, जो इंटरेस्ट जगे, जो चीज़ पढ़ने की इच्छा हो, ऐसा नहीं कि आप पढ़ने का इच्छा होगा तो आप वो सब सिलेबस छोड़ के आप दूसरा चीज़ पढ़ने लगे, नहीं ऐसा नहीं, आपका सिलेबस का टॉपिक होना चाहिए। और सिलेबस का आप क्या कीजिए, पीढ़ी एक साल में यदि आपका सिलेबस खत्म होने वाला है तो आप 9 महीना का उसका प्लानिंग बनाइए और डिवाइड कीजिए कि आप वो कितना दिन में, जैसे कि 365 दिन होता है ना, अब 365 दिन में यदि उसको वर्क करना है हमको यदि 6 महीना में तो उसको 6 महीना मतलब मंथ से डिवाइड कर देंगे, मतलब एक दिन में 2 दिन का वर्क करना पड़ेगा। तो यही बात है कि काम को डिवाइड कीजिए और वो प्लानिंग बनाइए और एवरी डे आप यदि सोने जाते हैं या उससे पहले आप थिंकिंग कीजिए कि आपने जितना वर्क रखा था, आपने जितना वर्क सोचा था, आप क्या वर्क पूरा हुआ, यदि नहीं हुआ तो वो गलती ना करें, अगले दिन से कोशिश करें कि आप वो जो प्लानिंग बनाते हैं उसे पूरा कर पाए जिससे कि आपकी हर वो समस्या सुलभ हो सके। और आप यदि ऐसा कर लेते हैं तो आपके अंदर आत्मा से एक गजब का आनंद आएगा, एक सुकून सा मिलेगा और आने वाले टाइम में आपकी लाइफ स्टाइल हो जाएगा और वही लाइफ स्टाइल आपको सफल बना देगा। अब लास्ट समझिए कि आपकी एक गोल होना चाहिए, जैसे किसी को BPSC पास करना है, किसी को UPSC पास करना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, आपको एक गोल होना चाहिए, एक बड़ा सा गोल होना चाहिए, आपकी सपना एक गोल होना चाहिए। लेकिन उस गोल की काम पहला शुरुआत छोटा ही काम से होता है, ऐसा नहीं आप गोल के अरे ये हम काम करेंगे हमको अभी बहुत छोटा लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, आपको छोटा काम शुरू कर देना, क्योंकि जहाँ शुरुआत होता है वो छोटा ही होता है और जब अंत होता है वो बड़ा होता है। तो इसीलिए आप शुरू छोटा से हो रहा है तो आप घबराइए मत, छोटा से ही शुरू कीजिए लेकिन वो शुरू कीजिए। इसके बाद शुरू करने के बाद उस पर फोकस्ड रहिए और आप एनालिसिस करते रहिए कि मेरा जो गोल है वो पूरा होने में हम कितना आगे बढ़ें,
जिस दिन ये आप इतना कीजिएगा, इतना आपको सुनने में लगेगा अरे यार ये क्या है, नहीं है, वो बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन वो बहुत आसान है। वो डेली लाइफ आप थोड़ा चेंज कीजिए, आप डेली लाइफ चेंज कीजिएगा, आपका पूरा लाइफ टाइम चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, धन्यवाद।